प्यारे से मजे मजे के लड्डू बना लें। और ये देखें, और ये इतना स्मूथ है ये हलवा। थोड़ा सा कैमरा करीब लाएंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़े का है ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैप्स का किचन। मैं टैप्स हूँ और हाँ जी, ये मेरा किचन है। आज की जो रेसिपी है ना, वो आप लोगों के नाम है, कोई पोएटिक, राइट? मैंने सोचा तो सारियां का मुंह मीठा कराना चाहिए। आप भी पूछे होंगे क्यों, वो इसलिए है कि हमारे माशाल्लाह से 70,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हमने सोचा कि आज थोड़ा सा वक्रे टाइप का, सर्दियों की शुरुआत, मूंग की दाल का हलवा बनाना चाहिए, तो चले अपना थोड़ा सा वक्रे टाइप का मूंग की दाल का हलवा बना लें। सो ये है हमारे पास डेट का मूंग की दाल, जो मैंने रात को ही ना दूध के अंदर भिगो दी थी। आपकी मर्जी, आप पानी में भिगोएं या दूध में भिगोएं। दूध में भिगोएंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा बेटर आएगा, और मैं आपको बताऊंगी कि जो इस दूध जिसमें मैं भिगोई थी, जो बचा था उसके साथ हमने क्या किया, ठीक है? और ये है मेरे पास, सो डेट कप, अगर आपके पास मूंग की दाल है तो डेट कप आपको चीनी चाहिए। अगर आपने चीनी नहीं लेनी है तो आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको एक कप स्टीविया चाहिए होगा, ठीक है? उसके बाद आपको चाहिए 2 कप घी। घी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें घी काफ़ी डलता है। सो आपको 2 कप घी चाहिए। आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर, ठीक है? उसके बाद जो पानी, दूध जिसमें, सॉरी, मैंने दाल भिगोई थी, ये वो दूध है। ये कम से कम यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप है, हम सारा नहीं यूज़ करेंगे। और आपको 1 कप पानी चाहिए जो कि उबला हुआ, जब गर्म गर्म पानी हमने इसको यूज़ करना है, तो हमने इसको दाल के लिए यूज़ करना है। साथ में आपको चाहिए थोड़े से नट्स, अगर आपको यूज़ करने करें, लेकिन 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं, 1 इलायची और 1 इलायची पाउडर। ये 1 चम्मच इलायची पाउडर है, और ये कोई मेरे पास 6 इलायचियाँ हैं, और ये थोड़ा सा ज़ाफ़रान है। अगेन, ज़ाफ़रान ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अपनी मूंग की दाल है ना, इसका हम एक पेस्ट सा बना लेंगे, ठीक है? ये देखिए, मैंने बिल्कुल निथार ली है, और इसको जो है अब हमने इसका पेस्ट बनाना है। चलिए इसका पेस्ट बनाते हैं। अब हमने जो अपना घी है ना, वो एक कढ़ाई में गर्म कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर जो है ना, अपनी ये 6 इलायचियाँ डाल देंगे। रिमेंबर, मैंने कहा इलायचियाँ ऑप्शनल नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा घी लग रहा होगा, आप कम भी कर सकते हैं अगर आपने करना है। जब आपकी इलायचियाँ थोड़ी सी ये कड़कड़ सी हो रही है ना, होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, हमने दाल का ना पेस्ट बना लिया था, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, देखिए वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा इसको और गर्म होने देंगे, फिर हम इसके अंदर ये दाल का पेस्ट डाल देंगे। चलिए, ये इलायचियाँ है ना हमारी, थोड़ा सा कैमरा करीब करें, ये देखें, ये पकना शुरू हो गई है ना। अब हम इसके अंदर अपना ये दाल का पेस्ट डाल देंगे। ध्यान से डालिएगा, छींटे ना पड़े आपके ऊपर। जैसे आप इसमें दाल डालें ना, आपने जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है, नहीं तो उन्होंने पकौड़े बन जाना है, ठीक है? अब देखिए, मैं चला रही हूँ ना, लेकिन घी के साथ ये मिक्स होगा तो इसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखिए, इसको जो है ना, मैंने अब आँच इसकी हल्की कर दी है। अब मैं इसको हल्की हल्की आँच पे जो है उसको अब आपने भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसके अंदर से जो है ना, आपको स्मेल आने शुरू हो जाती है ना दाल की, वैसी ना आए। और एक और टिप है, अगर आपने पहले कभी ऐसे हलवा नहीं बनाया, तो मेक श्योर आपका तेल ज़्यादा गर्म ना हो, और जो है ना, आप इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करें, नहीं तो जैसे पकोड़े नहीं होते, आपको बड़ा सा पकोड़ा बन जाना है। सो जस्ट मेक श्योर इसको हल्का हल्का भूने। अब हम इसको हल्का हल्का भूनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितनी देर इसको भूना है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो हलवा है ना, मैं कम से कम पिछले 10-12 मिनट से भून रही हूँ, और ये देखें, ये ऐसा हो गया है, और ये साइज़ में भी छोटा हो गया। अब हमने क्या करना है कि आपको याद है मैंने कहा था कि मैंने दाल को जो है वो दूध में भिगोया था, तो वही वाला मैं दूध यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान मिक्स कर दिया है, और ये देखने, ये मेरे पास 1.5 कप है। अब हमने इसके अंदर ये डाल देना है, ठीक है? अब हम इसको दूध के साथ पकाएंगे और सुखाएंगे। चलें, फिर थोड़ी सी और भुनाई करते हैं। वैसे मैं आपको सही बताऊँ, ये जो हलवा है ना, ये सर्दियों में बहुत अच्छा है, और मेरी अम्मी जो है ना, वो और नानी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बनाते थे, और आपकी ऑनेस्टली कमर में भी दर्द खत्म हो जाता है, ये इतना अच्छा है। लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में ही खाएं, ज़्यादा ज़्यादा ना खाएं। जैसे मेरा भाई हमेशा मुझे कहता है कि कोई भी खाना खाना है ना, कोई भी चीज़ लाइक स्वीट डिश खानी है, उसको रोटी समझ के ना खाओ, उसको स्वीट डिश समझ के खाओ। तो चलो, इसकी थोड़ी सी और बुनाई करते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारा हलवा कैसा हो गया, उसका तेल ना ऊपर आ गया। अब आपको याद है कि मैंने कहा था कि 1 कप गर्म उबलता हुआ पानी आपको चाहिए,
तो वो मैंने एक्चुअली डेढ़ कप लिया है, डेढ़ कप उबलता हुआ पानी, और अब हमने वो हलवे पे डाल देना है। जैसे आप ये डालेंगे, इसके साथ ही इसको आप जल्दी जल्दी चम्मच चलाएं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और साथ ही इसमें हमने एक चम्मच रोज वाटर डाल देना है। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, ठीक है। अच्छा देखें, जब आपकी हलवे की कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी ना, क्योंकि अभी तक पक रहा है, अब हमने इसको सुखाना है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से सुखाना है। अब हम इसके अंदर अपना इलायची पाउडर डाल के इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। इसको बिल्कुल हमने सुखाना है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी भी डालनी है, और जैसे ही चीनी डलती है ना तो कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो उससे पहले अब हमने इसको पकाना है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम अपना हलवा भून रहे हैं और इसने ये देखिए तेल छोड़ दिया है, ठीक है, और ये स्मूथ हो गया है। जैसे ही ये ऐसे तेल छोड़ दे और स्मूथ हो जाए, आपको याद है शुगर जो मैंने कहा था डेढ़ कप, अब हमने वो डाल के इसको पकाना है। मेक श्योर कि शुगर को बहुत अच्छे तरीके से पकाएं, नहीं तो जो है ना आपका मुंह में आएगी नहीं तो शुगर। और इसके बाद ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, जैसे देखें पतला हो गया, और इससे शाइन भी आती है शुगर को डालने से, ऐसे इसलिए हमने शीरे के साथ नहीं डाले, ठीक है। इसको पकाते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा ये देखिए आपका हलवा जो है ना वो कितना स्मूथ हो गया, ये देखिए हमारे जैसे देखो, ठीक है, ये स्मूथ हो गया बहुत ज़्यादा। और अब हम इसके अंदर जो हमने कहा था अपने यू नो ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। चूल्हे को आप कर देंगे इसको करने मिक्स, और ये है बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा दाल का हलवा तैयार, एक्चुअली मूंग की दाल का हलवा तैयार। चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। चलिए हमने अपना हलवा डिश आउट कर लिया, ये देखें, एक तो आप ऐसे भी खा सकते हैं और चाहे तो इसके प्यारे प्यारे से मजे मजे के लड्डू बना लें। और ये देखें हाई कितना स्मूथ है ये हलवा, थोड़ा सा कैमरा करीब लाएंगे उनको मैं दिखाती हूँ, ये देखें कितना मज़े का है ये, हम तो लगे हैं खाने। चलें फिर आप भी बनाएं और हमें बताएं कैसा लगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। हम तो जा रहे हैं ये लड्डू खाने के लिए, क्योंकि मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। आप जो है जाए बनाए और खाएं और बताएं कैसा था, और मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।